देखो, प्रोग्रामिंग जो है एक 40 साल का करियर है, बहुत लंबा करियर है। इसमें आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहोगे, माइंडसेट सही नहीं रखोगे, तो बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। और करियर का जो सक्सेस है वो तो 10 साल के बाद ही बड़ा वाला आता है। पैसे तो खूब बढ़ते 10 साल के बाद, तो अगर उस समय तक आप सस्टेन ही नहीं कर पाओ खुद को, तो हालत खराब हो जाएगी। तो निश्चय का एक क्वेश्चन आएगा, भैया 2 साल हो गए मुझे प्रोग्रामिंग करते हुए, अब मेरा मन नहीं लगता, मुझे मजा नहीं आता, मैं पॉजिटिव नहीं रख पा रहा हूँ खुद को प्रोग्रामिंग करते हुए। तो मैंने उससे पूछा कि आखिर ऐसा क्यों है। जो बातें हुई मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज जो मैंने उससे पूछी कि अच्छा एक बात बताओ निश्चय, तो कितने घंटे सोता है। भैया 4-5 घंटे सो लेता हूँ, बहुत कभी सोया तो 6-7 घंटे सो लेता हूँ। भाई इतना भी क्या कोडिंग कर रहा है। नहीं भैया इतना कोडिंग नहीं करता हूँ, कोडिंग के बाद मेरा मन नहीं करता तो मैं मूवीज देखता हूँ, कुछ कुछ देखता हूँ। देखो यहाँ पर गलती कर रहे हैं हम लोग सब। प्रोग्रामिंग कीजिए, अपना काम कीजिए, काम करने के बाद एक टाइम रखिए जिसमें आपको 7-8 घंटे अच्छे से सोने का टाइम मिले, और कम से कम 1 घंटा कोई फिजिकल एक्टिविटी करने का टाइम मिले। अगर आप कोडिंग करने के बाद दिन भर फिर लैपटॉप पर या टीवी स्क्रीन ही देखते रहोगे तो फिर आपको कैसे मन करेगा। थोड़ा फिजिकल मूवमेंट चाहिए और थोड़ा अच्छी सी नींद चाहिए, दोनों बहुत जरूरी है पॉजिटिव माइंडसेट के लिए। दूसरी चीज मैं निश्चय से पूछी कि भाई तू खाता क्या है। भैया खाना क्या है, जो मिल जाता खाता हूँ, मस्त मस्त चीजें मिलती हैं पैंट्री में, तो कभी ये खा लिया, एग पफ खा लिया, वेज पफ खा लिया, कॉफी तो खूब पीता हूँ भैया, क्योंकि लोग तो कहते हैं कि प्रोग्रामर्स आर पीपल हु कन्वर्ट कॉफी इनटू कोड। भाई साहब अगर खाने का ध्यान ही रखेगा, हेल्दी चीजें नहीं खाएगा, फ्रूट्स एंड नट्स नहीं खाएगा, वेजीज नहीं खाएगा, तो ऑलरेडी मन खराब लगेगा। बहुत बार जो हमारी मानसिक स्थिति होती है इन्हीं रीजन से होती है। अगर सही खाना खाओगे तो सही फील करोगे, एनर्जेटिक फील करोगे। यार बड़े मम्मी से साउंड करता है ये सब चीज, लेकिन अगर सोओगे नहीं, खाओगे नहीं, और फिर दुनिया को बोलोगे कि यार मुझे मजा नहीं आ रहा है काम में, तो गलती किसकी है। फिर मैं निश्चय से पूछा कि अच्छा एक बार बता, तेरा डेस्क कैसा दिखता है, तेरा घर कैसा दिखता है, रूम कैसा दिखता है। भैया बैचलर हूँ, कैसा दिखेगा, आप समझ लो मतलब जो जहाँ है चल जा रहा है काम, वीक में एक दिन लॉन्ड्री कर लेता हूँ, बस बहुत है। देखो यहाँ भी प्रॉब्लम है, अगर तुम चीज़ें साफ सुथरी नहीं रखोगे, ऑर्गेनाइज नहीं रखोगे, तो उसमें भी परेशानी होगी। परेशानी क्या होगी, आपका दिमाग हमेशा भरा रहेगा। मैंने कितनी बार कितने रील्स में ये चीज़ कही है कि अपना वर्क स्पेस साफ रखो, अपना वर्क स्पेस टाइडी रखो, ऑर्गेनाइज रखो, इससे मन शांत होता है, प्रोडक्टिविटी आती है। जब आप ये चीज़ें नहीं करते हो, आपको पता नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हर दिन आपके दिमाग में कंपाउंड होती जाती हैं, आपका मन भारी होता जाता है इससे। फिर मैंने निश्चय से पूछा कि निश्चय भाई तू जिस तरह से ये अपना घर फैला के रखता, अपना डेस्क फैला के रखता, क्या तेरे डेस्कटॉप पर कोड भी वैसे फैले रहते हैं। नहीं भैया, कोड तो मैं काफ़ी अच्छे से रखता हूँ, नहीं तो टीम वाले बहुत गाली देते हैं। ये बिल्कुल सही है, कम से कम अपना कोड, अपना डेस्कटॉप, अपनी फाइल्स, अपने नोट्स, ये चीज़ें तो आपको जो डिजिटल है वो भी सही से ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए, क्योंकि जब आप सही से ऑर्गेनाइज रखते हो अपना डिजिटल और अपना फिजिकल लाइफ, तो उससे बड़ी मानसिक शांति मिलती है। तो निश्चय से मेरी आगे वाली बात क्या हुई ये जानने के पहले सब्सक्राइब कर देना, ताकि ये पॉजिटिव माइंडसेट बना रहे और भी वीडियोस के साथ। फिर मैंने निश्चय से पूछा कि ये जो तुम्हें बुरा बुरा सा फील हो रहा है, अब तुम बहुत सारी चीजें करोगे, लेकिन क्या तुम थोड़ी देर भी दिन में 2 मिनट भी बैठते हो, सोचते हो, ग्रेटफुलनेस मेडिटेशन कुछ भी प्रैक्टिस करते हो। बोले भैया टाइम किसके पास है, टाइम ही कहाँ है। पर इतनी हंसी आई मुझे कि भाई इतना सारा टाइम नेटफ्लिक्स देखने के लिए है, और तुम्हारे पास 2 मिनट 5 मिनट माइंडफुलनेस ग्रेटफुलनेस प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है। 2 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं, शांति से बैठो, थोड़ा सा अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर कुछ चीज़ से मुझे स्ट्रेस हो रहा है तो क्या सच में ये चीज़ मुझे इतनी परेशान कर सकती है, मैं क्यों इस चीज़ को इतनी पावर दे रहा हूँ अपने ऊपर। ये थोड़ा सा माइंडफुलनेस, क्योंकि आप एक अच्छे जॉब में हो ऑलरेडी, सब कुछ आपका बढ़िया चल रहा है, तो कई बार हम छोटी छोटी समस्याओं को बहुत ज़्यादा पावर दे देते हैं अपने ऊपर और बुरा फील करने लगते हैं। तो उन समस्याओं को देखना, माइंडफुली सोचना, समझना, उनसे परेशान ना होना, इसके लिए बहुत टाइम नहीं लगता है, इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है ऑन अ डेली बेसिस। फिर मैं निश्चय से पूछा कि अच्छा ये बता, तूने दिन जो है वो कैसा चलता है, मतलब जब ऑफिस जाता है कुछ चंक्स हैं कुछ हैं। चंक्स वो सब कुछ नहीं भैया, जो काम आता है करता हूँ, बैठा रहता हूँ, अपना कोड वोड कर रहा हूँ, किसी ने बुलाया उठ के चला गया मीटिंग करने, इधर गया उधर गया, टाइम पास हुआ भैया, कुछ चाय कभी सुट्टा कभी कुछ, और बाकी टाइम कोडिंग। देखो ये भी बहुत दिक्कत है, अगर आप दूसरों को दे दोगे अपनी लगाम कि भैया जब हमें मन किया हम कोडिंग कर ले, जब मन किया कोई मीटिंग में उठा के ले जाए, कोई चंकिंग नहीं है। ये बहुत जरूरी है, आप अपने दिन को चंक्स में बांट लें कि मैं सुबह के 2 घंटे कोड करूंगा, शाम के 2 घंटे मीटिंग करूंगा, बीच के 2 घंटे में टेस्ट कर लूंगा, बीच के 2 घंटे में कोड इंप्रूवमेंट कर लूंगा, PR रिव्यू कर लूंगा। 6-8 घंटे जो आपका दिन है वो सही से बांट लो यार उसको, कि
इस टाइम पे मैं ये करने वाला हूँ, हर दिन मैं इस टाइम पे यही करूंगा, क्योंकि उस डिसिप्लिन से आपके दिमाग में शांति रहती है। आपको हर समय डिसीजन मेकिंग नहीं करते रहना पड़ता है कि क्या करे यार आज काम नहीं हुआ, ओ माई गॉड, ये स्ट्रेस, ये एंग्जाइटी की जरूरत नहीं पड़ती आपको। कुछ काम आए कुछ काम पीछे आप कर सकते हो, प्रायोरिटाइज कर सकते हो अगर आपके पास वर्क डे में चंक्स हैं तो निश्चय अब समझने लगा था कि बहुत सारी चीज़ें उसके कंट्रोल में हैं। तो बोला भैया ये सब तो मैं कर लूंगा, और भी कुछ करना चाहिए क्या? लेकिन लास्ट टाइम तूने नई चीज़ों के बारे में कब पढ़ा था? प्रोग्रामिंग को लेके, लैंग्वेज को लेके, फ्रेमवर्क को लेके लास्ट टाइम तू किस चीज़ पे एक्साइटेड हुआ? भैया वो सब का बिल्कुल टाइम नहीं होता मेरे को, जो आता है जो टेक लीड बोलता है वो कर देता हूँ, जब जरूरत जितनी पड़ती है देख लेता हूँ बस। देखो एज अ प्रोग्रामर सबसे मजेदार चीज है कि हम इस फील्ड में काम करते हैं जिस फील्ड में हर दिन कुछ नया हो रहा है, हर महीने कुछ नया हो रहा है। अब इससे आप कैसे रिएक्ट करते हो? इससे आप ओवरवेल्म हो सकते हो या इससे आप एक्साइटेड हो सकते हो। तो मैं कहता हूँ ओवरवेल्म मत हो, बट एक्साइटेड तो रहो कि वाओ यार इस फील्ड में क्या नई नई चीज़ें हो रही है, रुको मैं थोड़ा ये ट्राई करता हूँ, वीकेंड पे थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, वीकडे पे थोड़ा ये देख लेता हूँ, आधा घंटा वो ब्लॉग पढ़ लेता हूँ, आधा घंटा वो समझ लेता हूँ, किसी से कुछ डिस्कस कर लेता हूँ। कितनी सारी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कितना फास्ट मूविंग फील्ड है। उस एक्साइटमेंट के साथ जब आप रोज काम में उतरोगे तो आप 2 साल 3 साल 4 साल में नहीं होगे बोर, क्योंकि बोर होने वाला फील्ड तो है ही नहीं। लेकिन अगर आप वो करोगे ही नहीं, आप अपने काम को एक रूटीन बना के एक मंडेन एक्टिविटी की तरह, क्योंकि भैया कर रहे हैं, कोलू का बैल है, लगे हुए हैं, रोज ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तब तो यार हो ही जाओगे ना, तब तो बोर हो ही जाओगे, डिमोटिवेट तो हो ही जाओगे। पॉजिटिविटी के लिए तो बहुत जरूरी है ना कि आप नई चीजें एक्सप्लोर करते रहो, सीखते रहो, काम के बाहर भी अपनी एक्साइटमेंट टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी बना के रखो। निश्चय बोला कि भैया बात आप एकदम सही कह रहे हो, ये सब गलतियां तो मैं कर रहा हूँ, भैया थोड़ा ये बता दो कि मोटिवेशन कैसे बना के रखें। देखो मोटिवेशन ना रोज रोज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर आप ये प्रैक्टिस सही से करो निश्चय, अगर आप सही से ये चीजें करोगे तो मोटिवेशन अपने आप बन जाता है। इसके लिए एक छोटी चीज ये होती है कि आप इन चीजों को लिस्ट कर लो कि क्या मैंने ये किया, क्या मैंने चंकिंग करके रखी है, क्या मैंने ऑर्गेनाइजेशन करके रखा है, क्या मैं माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहा हूं, क्या मैं नई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहा हूं। तो आप वीकली अपना अपने साथ एक रिव्यू रख लो, अगर आप थोड़ा सा डिसिप्लिन ले आओगे तो मोटिवेशन इज अ रिजल्ट ऑफ दैट डिसिप्लिन। आपको लगेगा अरे ये वीक जब मैंने तने भैया की ये सारी बातें सुनी, उसको माना, मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज की, थोड़ा सा चंकिंग किया, थोड़ा सा ये किया, थोड़ा सा वो किया, एक एक्सेल में भी, एक डॉक में, कहीं पर भी देखते जाओगे अपने आप मोटिवेट हो जाओगे कि यार वीक तो अच्छा भी था, इसका मतलब ये रेगुलर करते जाना। धीरे 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 चीज की आदत पड़ जाएगी और मोटिवेशन रोज रोज ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा आपको। और निश्चय को मैंने एक और बहुत जरूरी बात कही जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छे प्रोग्रामर से, अच्छे डेवलपर से, अच्छे लोगों से मिलो, उनके साथ हैंगआउट करो। नेटवर्किंग करना तो थोड़ा लेम टर्म है लेकिन बहुत जरूरी है यार, नहीं मिलोगे तो एक्साइटमेंट नहीं आएगी। जबकि एक्साइटेड लोगों से मिलोगे वो तुम्हारी एनर्जी से फीड करेंगे, तुम उनकी एनर्जी से फीड करोगे, तुम लोग साथ में कुछ सीखोगे, तभी तो एक्साइटमेंट बना रहेगा। अगर तुम एक मजेदार से करियर को एक जॉब बना दोगे कि यार मेरा तो यही काम है, तो मैं तो प्रोग्रामर थोड़ी हूं, मैं तो ऊबर ड्राइवर हूं, जहां बोलेंगे वहां से, यहां से उठा के ले जाएंगे, वहां डाल देंगे, हम तो फीचर लेते हैं, कॉफी लेते हैं, दोनों को कोड में कन्वर्ट कर देते हैं, हमारा कोई इनपुट नहीं है। अगर ऐसे करोगे तो मजा तो नहीं आएगा ना भाई, क्योंकि तुमने एक एक्साइटिंग से करियर को एक जॉब में कन्वर्ट कर दिया है, एक तुम बैल बन गए हो। क्यों बैल बनना है, मजे से रहो। ये सारी चीजें लिस्ट डाउन करो, प्रैक्टिस करो, खुद के साथ अपना रिव्यू करो और देखोगे कि तुम एक पॉजिटिव माइंडसेट में घुस रहे हो। ये बहुत जरूरी है 10, 20, 30 साल के सक्सेस के लिए, ढेर सारे पैसे कमाने के लिए, ढेर सारे प्रमोशंस के लिए। क्योंकि जब तुम पॉजिटिव नहीं रहोगे तो कोई तुम्हें प्रमोट नहीं करेगा, कोई तुम्हें अगले लेवल पे हायर नहीं करेगा, क्योंकि हर किसी को एक पॉजिटिव और एनर्जेटिक इंसान के साथ ही काम करने का मन करता है। बड़ी कंपनीज में तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर तुम भी इन चीजों से स्ट्रगल कर रहे थे, तुम्हें कौन सा टिप सबसे अच्छा लगा प्लीज मुझे कमेंट में बताते जाओ, ताकि मैं उस पर और एक बड़ा सा वीडियो बनाकर लाऊं।